हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, अगर आपने बेरोजगारी भत्ता के लिए झारखंड नियोजनालय में रजिस्ट्रेशन किए हैं, मतलब आपने एक्सचेंज कार्ड बना लिए हैं और रजिस्ट्रेशन करते समय कुछ गलती हो गया है, तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आप अपना रजिस्ट्रेशन एडिट कैसे करें, मतलब आप एक्सचेंज कार्ड में सुधार कैसे करें। जैसे एक्सचेंज कार्ड में जो भी डिटेल्स आपका है वह कैसे सुधार कर सकते हैं। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल स्मार्ट टैग प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कॉमेंट जरूर कीजिए। और अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके लिए हम पहले ही आप वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप इसका वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको एडिट करने के लिए आपको सिंपली गूगल क्रोम ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको सर्च बार में टाइप करना है www.jharkhandrozgar.nic.in, उसके बाद सर्च कर देनी है। सर्च करने के बाद इसका ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद अगर आपको फिर इसमें अगर जाने में दिक्कत हो रहा है, मतलब आपको ऑफिशियल वेबसाइट ओपन नहीं हो रहा, तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप सीधे इसका ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाइएगा झारखंड रोजगार का। तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट में आने के बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पर यूज़र आईडी जो है आपका वो डालनी है और पासवर्ड यहाँ पर डाल देना है और साइन इन पर क्लिक करना है। साइन इन पर क्लिक करते ही आपका एक नया पेज ओपन होगा, आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपका डैशबोर्ड ओपन होने के बाद आप यहां से रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है इसमें क्लिक करना है, फिर एडिट रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहां से अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल आईडी, आपका जो है रिलीजियन, मदर्स नेम, कास्ट हो गया, फिर जेंडर हो गया, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और जो भी है आप चेंज कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपको मोबाइल नंबर चेंज करना है, तो मोबाइल नंबर चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर पर क्लिक करना है, फिर आपको आपका जो नया नंबर उसको बैक कर देना है और जो नया नंबर है उसको डालना है। तो चलिए मैं नया नंबर अपना डाल देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर मान लीजिए आपको जेंडर चेंज करना है, तो यहाँ पर मेल फीमेल जो आप चेंज करना चाहते हैं उसमें क्लिक कीजिए। आप ईमेल आईडी चेंज करना चाहते हैं तो इसको उसी तरह मोबाइल नंबर जिस तरह किए उसको इसको हटा देना है, फिर आपको बैक स्पेस करके सबको हटा देना है, फिर नया ईमेल आईडी दे देना है। फिर आप मान लीजिए रिलीजियन में चेंज करना चाहते हैं, इसमें क्लिक करके जो आपका रिलीजियन है आप वहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, फिर रूरल या अर्बन में आप सिलेक्ट चेंज कर सकते हैं, फिर आपको अपना कास्ट सिलेक्ट कर सकते हैं इसमें से जो भी आपका कास्ट है। फिर आपका आता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसमें आप जो भी चीज़ है आप डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ से और ऐड भी कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। अगर आपके पास मतलब कोई और एक्स्ट्रा डिग्री मतलब है तो आप यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं। फिर आता है एड्रेस, एड्रेस में भी आप चेंज कर सकते हैं। फिर आपका आता है एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये सब तो नहीं है। फिर आपका आता है यहाँ पर अदर डिटेल्स में, यहाँ से आप अपना अगर आपके पास एक्सपीरियंस है पहले नहीं दिया हुआ था तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद यहाँ पर ऐड एक्सपीरियंस पर क्लिक करने के बाद आपको जिस सेक्टर में आपका एक्सपीरियंस है वह सिलेक्ट करना है, फिर आपको यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेना है जो आपका है एक्सपीरियंस टाइप, फिर नेम ऑफ एम्प्लॉय, फिर फ्रॉम कितना से कितना तक एक्सपीरियंस मंथ, फिर पोस्ट आपका है NOC जो है आपको सब दे देनी है यहाँ पर, फिर आपको ऐड पर क्लिक करना है। ऐड पर क्लिक करते हैं आपका ऐड हो जाएगा। फिर मान लेते हैं आपको लैंग्वेज चेंज करना है तो लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देनी है। तो जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक कीजिएगा तो आपका यहाँ पर मतलब एडिट हो जाएगा। तो सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं क्या कैसे आपका एडिट होगा। और अगर आप चाहते हैं यहाँ से आपका कुछ डिटेल्स जो है यहाँ पर चेंज नहीं होगा, जैसे आपका नाम हो गया, आपका डिस्ट्रिक्ट हो गया, पर्सनल डिटेल्स में एक्सचेंज ऑफिस का नाम, फिर आधार नंबर, फिर आपका पापा का नाम मतलब फादर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ, यहाँ से ये छः चीज़ जो है आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ये छः चीज़ यहाँ से यहाँ तक आप चेंज नहीं कर सकते हैं,
यह आपका पहले जैसा दिया हुआ था वैसे ही रहेगा। ये आप यहाँ से सिर्फ मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अपना एड्रेस, आपका माँ का नाम और जो डिटेल्स है नीचे वह सब चेंज कर सकते हैं। तो जिस जो चीज़ चेंज करना है उसमें आप ई करने के बाद आपको सबमिट बटन जो लिखा हुआ है इसमें क्लिक कर देना है। सबमिट बटन पर क्लिक करते ही आपका चेंज हो जाएगा। देखिए मेरा पहले मोबाइल नंबर दूसरा दिया हुआ था, यहाँ पर मेरा अब दूसरा मोबाइल नंबर है तो मेरा चेंज हो गया है। देखिए यहाँ पर नीचे लिखा हुआ आ गया सक्सेसफुली अपडेट अप टू डेट। तो हम मोबाइल नंबर चेंज किए थे तो मेरा मोबाइल नंबर चेंज हो गया है। आप यहाँ से इस तरह से चेंज कर सकते हैं, आपको एडिट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो जो एडिट करने का वीडियो है, मतलब आपका डिटेल्स जो एडिट करने का है वो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन रहता है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कीजिए, हम उसका जवाब आपको अगले वीडियो में देंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल स्मार्ट टैग प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स।